कानपुर में सुअरों की लगातार मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हाल फिलहाल में 5 सुअरों में अफ्रीकन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ नगर निगम भी अलर्ट हो गया है। सुअर पालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो खुले में सुअर ना छोड़े। वहीं सुअर की मांस बेचने वाली दुकानें बंद करने के लिए ताकीद किया गया है। नोटिफिकेशन हुआ है उसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी है, जो केवल सुअरों की बीमारी है, जो सुअरों का एक संक्रामक रोग है, बारिश के मौसम में सामान्यता होता है, और इससे जो भी खतरा है वो सुअरों को खतरा है, और ये फैलती भी सुअर से अन्य सुअर में है। उसका ह्यूमन हेल्थ से इस बीमारी का, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक चीज़ तो थोड़ा सा ये क्लियर करें, जिससे लोगों को ना हो पैनिक कि ये कोई जूनोटिक बीमारी है, नहीं है, ये केवल सुअरों से संबंधित बीमारी है जो सुअरों को प्रभावित करती है। तो देखिए, हाल फिलहाल में 5 सुअरों में अफ्रीकन फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ नगर निगम भी अलर्ट हो चुका है। सुअर पालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो खुले में सुअरों को ना छोड़े। वहीं सुअर की मांस बेचने वाली दुकानें बंद करने के लिए ताकीद किया गया है। तो 5 सुअर बताए जा रहे हैं जिनमें अफ्रीकन फ्लू की पुष्टि हो गई है। लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है कानपुर में सुअरों की, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। 5 सुअरों में अफ्रीकन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ नगर निगम भी अलर्ट हो गया है। सुअर पालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, 5 सुअरों में अफ्रीकन फ्लू की पुष्टि हुई है, किस तरह से अब सतर्कता बढ़ती जा रही है बताइए। देखिए, आपको बता दें, कानपुर के गोविंद नगर इलाके में लगातार सुअर मर रहे हैं और इनकी संख्या 100 के पार हो चुकी है। जब लगातार सुअर मर रहे थे, इसी वजह से जो नगर निगम है और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है वो चौकन्ना हुआ और उन्होंने 5 सुअरों के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे और इनमें अफ्रीकन फीवर की पुष्टि हुई है। आज ये पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा काफी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि अलर्ट में बाकायदा एक वार्ड बना दिया गया है इसके लिए, और इसके अलावा जो नगर निगम है वो सख्ती कर रहा है। जो सुअर पालक है उनसे कहा गया है कि सुअरों को बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको अपने उनके बाड़ों में रखा जाए, वरना नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई है कि सुअरों की अगर मौत होती है तो उन्हें दफन कर दिया जाए, उनको इधर उधर ना फेंका जाए। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो मीट विक्रेता हैं, जो सुअर का मांस बेचते हैं, उनको भी कहा गया है कि वो फिलहाल सुअर का मांस बेचना बंद कर दे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो वायरस है उसके म्यूटेट होने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। जी ठीक है, शाम बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।